Assalamualaikum and hi friends, I hope कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। इंटर में घर ऊपर आई हुई है, आपको तो पता था कि ऊपर मेरा शर्ट था वो ख़त्म हो गया। अभी भाई साहब आपका भाई जो है ना दोबारा से शर्ट बनाने के चक्कर में है, तो अभी यहाँ पे जो है ना शर्ट बनाएंगे इंशाल्लाह इस जगह पे। ये देखें भाई साहब, ये जगह वगैरह नमाज वगैरह की बनाया हुआ हमने, ये रूम, अब इसकी भी सेटिंग करनी है, बताता हूँ मैं आपको। ये फ़िलहाल तो हमने स्टोर बनाया हुआ इस कमरे को, तो ये जुगाड़ चेक करें भाई साहब, इसमें मट्टी डाल दी थी तो इसमें पौधे निकाल आए, बाकी ये पौधे भी सेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे शेड बना रहा हूँ यहाँ से आई थिंक इस जगह तक है, ये ऐसे लाइन में ये शेड आ जाएगा इंशाल्लाह। और फिर से स्टार्ट करते हैं शेड को, और कुछ जो है ना अभी रखेंगे, बड़े बर्ड्स रखेंगे, छोटे वगैरह जो है ना वो उनसे हाथ उनको भी नहीं लगाना, अब बड़े बर्ड्स को हाथ लगाएंगे। तो शेड को स्टार्ट करेंगे, आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे शेड की वीडियोस भी, जिस हिसाब से शेड को हम बनाएंगे उसमें क्या रखते हैं क्या नहीं रखते सारा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, तो बने रहिए मेरे साथ। तो माशाल्लाह भाई साहब बिस्मिल्लाह हो चुकी है, अताउल्ला भाई ने जो है ना स्टार्ट कर लिया है, ये देखें हमारे पास है अताउल्ला भाई, ये मेरा कज़न भी है आप लोगों को पता होगा, और मतलब भाई मिस्त्री वगैरह का काम भी करते हैं, तो बस हमने इसको लगाया हुआ होता है जो भी काम होता है। भैया अताउल्ला भाई पहुंच जाओ, काम करना है, तो यार विदाउट एनी डिले भाई साहब पहली फुर्सत में जो है ना जान हाजिर करते हैं, पहुँच जाते हैं। तो अभी देखें माशाल्लाह नीचे कुछ काम वगैरह था वो करवाया है, और अभी जो है ना भाई साहब ये लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब जो है ना यकूब भाई मेरा जो छोटे भाई है उसकी शादी भी है, तो उस सिलसिले में बेसिकली हमने बुलाया था ताला भाई को, और कुछ काम वगैरह थे वो बस रिपेयर मेंटेनेंस के काम थे वो करवाएँ हैं इंशाल्लाह। और अभी जो है ना आपको दिखाते हैं भाई साहब, ये जैसे जैसे फाइनल होता है और शादी की तैयारियाँ भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। ये देखें फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुकी है, तौला भाई ये कर रहे हैं निज़ाम इस साइड पे, फिर इंशाल्लाह ये साइड मुकम्मल होती है तो यहाँ तक हम लेके जाएंगे, तकरीबन पिलर मुकम्मल हो चुके हैं दोनों, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार ये फाइनल हो जाए ना, ये फाइनल हो जाए सारा यहाँ से यहाँ तक, और हाइट इसकी तकरीबन जो है ना ये है तकरीबन 14 से 15 फुट इस तरफ इसकी लंबाई है, 5 फीट 5.5 फीट इसकी चौड़ाई है, और 8 फीट इसकी हाइट है। तो भाई साहब ये फाइनल करते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आज ये फाइनल हो जाएगा, तकरीबन अभी 3 बजने वाले हैं, और ये जगह है बस, ये फाइनल हो जाए तो उसके बाद इसका सोचते हैं, कल का दिन है इंशाल्लाह, कल के दिन ये फाइनल कर देंगे अल्लाह के हुक्म से, फिर जो है ना देखते हैं, और उसके बाद शादी हाल भी देखने जाना है हमने आज शाम को, तो वो भी देखेंगे कौन सा पसंद आता है। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो चुका है ये सारा यहाँ तक, अब यहाँ से आपको दिखाऊँ ना ये यहाँ से, तो ये देखें भाई साहब ये देखें, अभी यहाँ पे एक जो है ना ईंटें आएंगी, ये जगह बनेगी, एक जो दो ईंटों के रद्दे आएंगे, बाकी ये हमने जो है ना पूरा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल उम्मीद है कि इस पर जो है ना छत भी आ जाएगी और प्लस्तर भी हो जाएगा, तो फाइनल करेंगे फिर इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें पहले पहले जो बर्ड्स हैं वो लाएंगे, उसके बाद जो है ना लगा हूँ अगर मिल गए तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना रिंग नेक के पेयर भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स लेट हो चुके हैं यार, ये देखें माशाल्लाह अताउल्ला भाई ने सारा सेटअप जो है ना क्लियर कर दिया है, ये सारा माशाल्लाह प्लास्टर वगैरह कर दिया है, अब कोशिश करेंगे इस पर कल छत जो है ना आ जाए इसको फाइनल कर दें, बाकी जो है ना इस पर जाली वगैरह लगनी है वो लगाएंगे। और अभी भाई साहब चलते हैं, लेट हो चुके हैं, मगरब की नमाज़ तो पढ़ ली है, काफ़ी टाइम हो गया, अभी चलते हैं यार अवेस भाई से रब्ता करते हैं, और शादी हाल के लिए मैंने आपसे कहा था शादी हाल देखने चलते हैं, वो देखेंगे एक दो मैंने देखे हैं, खैर अभी चलते हैं एक और देखते हैं, और उम्मीद है अगर पसंद आ गया तो फाइनल कर देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच चुके हैं शादी हाल में, तो ये चेक करें भाई साहब माशाल्लाह काफ़ी बाहर तो खूबसूरत नज़र आ रहा है, मार्की
तो भाई साहब इसका नाम क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसको डन कर लें। तो ये चेक करते हैं भाई साहब, ये देखें एंट्री। तो अभी ये स्टार्ट इनका है माशाल्लाह, कुछ ही वेडिंग्स यहाँ पे हुई है सेरेमनी। तो ये चेक करें एंट्री है, ये अभी इनका सेटअप हो रहा है यहाँ पे, ग्लासेस वगैरह शीशे वगैरह लगने हैं यहाँ पे। तो ये चेक करें भाई साहब, ज़बरदस्त VIP सेटअप है इनका यार। ये देखें भाई साहब, बिल्कुल फ्रेश फर्नीचर है सारा। ये देखें अभी यहाँ पे ऊपर जो है ना छत पे की लाइटिंग वगैरह है लगनी है, जो भी ये लगाते हैं डिस्को लाइट्स या जो कुछ भी। तो ये देखें भाई साहब, ये मेल साइड है, वही स्टेज चेक करें, स्टेज ज़बरदस्त स्टेज बना हुआ है भाई साहब, ज़बरदस्त। तो अभी ये अभी भी सेट होगा, हमारी शादी खैर महीना डेढ़ बाद है। तो ये चेक करें ये भाई साहब, इसमें ये देखें तो भाई साहब मुझे तो पसंद आया। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको डन करते हैं, फिर घर जाके आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपको दिखाते हैं भाई साहब कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मोक आ चुकी है डी खान में, ये चेक कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, सांस लेना भी मुश्किल है। और ये अपना सेटअप है, इसको इंशाल्लाह हम फाइनल करेंगे। इसके छत पे मैं मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत डाल दी थी, और नीचे जो है ना अपना वो रिवायती छत, ये चेक करें भाई साहब। क्योंकि इस पर हम जो है ना अगर इसको छत को पक्का करते हैं ना भाई साहब, ऊपर से तो बिल्कुल इसको हम वो कर लेंगे, इसके ऊपर जो है ना वो डालेंगे अपना कंक्रीट डालेंगे इसके ऊपर, हम सलाह बना के ना वो सारा फाइनल इसको कर देंगे। लेकिन जो है ना इसके अंदर से ये इसको ऐसे रखेंगे, वो ये वजह है कि यहाँ पे भाई साहब गर्मी होती है डी खान में ना, तो वो हीट जो है ना वो तपिश वो कम है सेटअप में। तो बाकी देखते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। ये कुछ जगह रह गई हैं, इनको भी हम सही बंद करेंगे भाई साहब। ये जगह है, इन पर सारी सीमेंट लगेगी, मिसाला लगेगा,